17 अक्टूबर 2021 को सऊदी नेशनल अस्पताल शुमाली अजीजिया मक्का मुकरमा के नए तामीर शुदा एमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीर में डॉक्टर जमशेद अहमद VP स्ट्रेटजिक प्लानिंग अबीर मेडिकल ग्रुप ने बताया कि एमरजेंसी वार्ड एक तरक्की की राहों को तय करते हुए अस्पताल के प्रोग्राम का बुनियादी हिस्सा था, जिसे हमारी कम्यूनिटी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। डॉक्टर अहमद अलिंगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अमले को यकीन दिलाया कि वो अस्पताल के तमाम मंसूबों में सेहत की देखभाल की खिदमत के मजमूई मयार को बेहतर बनाने के लिए इतने मुकम्मल तआवुन करते रहेंगे। डॉक्टर फहीम रहमान डिप्टी अस्पताल डायरेक्टर ने भी इस मौके पर शिरकत की और तमाम रेफरल सेंटर और कम्यूनिटी तक पहुँचने के लिए हॉटलाइन नंबर का नज़रिया शेयर किया। तकरीब में डॉक्टर तलाल अकरम मेडिकल डायरेक्टर और मिस्टर हसन अल गामदी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ने भी शिरकत की। सऊदी नेशनल अस्पताल मजीद जदीद और मुनासिब ER खिदमात और इलाज की फराहमी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, जबकि अस्पताल ने बेहतरीन मयार की बैनुल अक्वामी टेक्नोलॉजी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सऊदी नेशनल अस्पताल JCI और CBAHI दोनों मयारों से तस्लीम शुदा है।